Yeah, guys. Hi. Can you see the screen and slide? Can you hear me? Kindly confirm if you can hear me and you can see the slide. Okay. Okay. So those who have missed the preamble class can watch the recorded videos. Okay, aaj hum part 1 se shuru karenge. I told you about the worksheet for the UPSC IAS Indian Polity. So that will be shared, okay, together with this part 1 only. Main socha ki alag alag dene se acha dono ko merge kar denge, okay? That would be better. Clear? Okay. ठीक है. हाँ, सो इफ यू कैन, देयर इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये ट्रिक है. ओके, दिस इज अ स्लाइड विद अ ट्रिक. ओके, यहां आप देख सकते हैं, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस एंड यूपी, मीट शाम राम, फ्रूट ए स्वीट टू ईट, सो ऑन, ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक्स. ये ट्रिक है. इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं टू रिमेम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये एक्रोनिम आप याद रखेंगे. अगर यस, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली पूछा जाता है. ओके, एग्जाम में कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं, दे आस्क यू डायरेक्टली द पार्ट्स, कि कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है. सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर द पार्ट्स. इजिली अवेलेबल ऑन द नेट ऑल्सो. आपको कोई और ट्रिक मिलेगी, इफ यू फाइंड एनी मोर ट्रिक यू कैन यूज इट ऑल्सो. ओके, कोई और ट्रिक अगर आपको मिलती है, यू कैन यूज इट ऑल्सो, या कोई आप बनाते हैं उसे भी यूज कर लें. बट आई रिमेम्बर थ्रू दिस ट्रिक ओनली. मैंने जब याद किए थे पार्ट्स, आई रिमेम्बर थ्रू दिस ट्रिक ओनली, दिस वन. यू कैन फाइंड डायरेक्टली फ्रॉम यूएस एंड यूपी, मीट शाम राम, फ्रूट ए स्वीट टू ईट, सो ऑन, टू ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक. ओके, तो इससे आपको पार्ट्स याद हो जाएंगे. प्रियम्बल हमने कर लिया, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, एज इन डिटेल एज आई कैन. ओके, एंड यूपीएससी एंड कोई भी एग्जाम, वेदर इट इज एनी पीएससी, कंफर्टेबली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. वी डिड सम. यस, पीएससी का अगर कोई और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आ रहा है, दैट टू इज कंप्लीटेड देयर, उससे कंप्लीट हो जाएगा. लाइक यू हैव द एग्जाम फॉर द रजिस्ट्रार कमिंग अप इन सम स्टेट्स, वो इससे निकल जाएगा. ओके, जो उसमें पार्ट है वो यहां से आप निकाल सकते हैं. यू कैन नोट दिस डाउन इफ यू वॉन्ट. क्लियर? ओके, हाँ ठीक. ओके, नाउ वी बिगिन. क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट फर्स्ट डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ओके, पार्ट फर्स्ट डील करता है यूनियन and its territory. Like in preamble, there were various concepts. Okay, preamble mein bahut sare concepts the that were important to get cleared. Okay, to preamble ke liye meri videos enough hai, more than enough hai. But when it comes to part 1 of the Indian constitution, that means article 1 to 4, to aapko kya yaad rakhni hai, chronology. कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर क्या इवेंट हो रहा है, हु हैज द पावर. डायरेक्ट क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से आएंगे. दैट मींस आपको कंसेप्ट भी याद रखना है, देन आपको आर्टिकल 2 एंड 3 के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. आर्टिकल 2 एंड 3 के बीच का जो डिफरेंस है, इट इज आस्क्ड इन द मेंस. ओके, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टडिंग for UPSC prelims and mains, unke liye we will be doing Delhi Special Act plus J&K State Reorganization Act plus current related to these two. Okay, to ye UPSC IAS mains plus prelims ke liye, sorry, prelims mains ke liye ye cheeze important hai, ye hum alag se karenge.
फॉर दोज ऑफ यू हु आर फॉर द प्रीलिम्स ओनली, तो आप फोकस रखेंगे क्रोनोलॉजी पर और कॉन्सेप्ट्स पे. क्लियर? अब यहां चलते हैं. दिस वॉज द मैप ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट. जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाते हैं, दिस वॉज द मैप ऑफ इंडिया डेट वी हैव. ओके, यहां पर आप एक चीज देखेंगे, दिस मध्य प्रदेश. याद रखेंगे, कई बार एक क्वेश्चन आ गया, अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं, ओके, एंड एनी राइटर, किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हैं हु इज यूरोपियन, तो आप एक चीज देखेंगे कि वहां पर कंफ्यूजन हमेशा काफी बुक्स में कंफ्यूजन करता है बिटवीन सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल प्रोविंसेस. याद रखेंगे आप मेरी बात. ओके, एंड काफी उस बुक्स को पढ़ने के बाद जो एस्पिरेंट्स है वो भी कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, और ऊपर कौन सा हो गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस. याद रखिएगा ये बात. तो ये इट इज ए फैक्ट कि मध्य प्रदेश वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल प्रोविंसेस बाय द ब्रिटिशर्स. एंड इनके ऊपर जो उत्तर प्रदेश था, इट वॉज नो लॉन्गर द उत्तर प्रदेश, इट वॉज कॉल्ड एज अ यूनाइटेड प्रोविंस. यूपी था बट यूनाइटेड प्रोविंस था. और जब भी आप बंगाल लिखेंगे, इवन आफ्टर द 1947 या एट द मूमेंट ऑफ 1947, जो वर्ड आप यूज करेंगे दिस विल बी बंगाल. याद रखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, जो जो चीजें मैं आपको मैप पे समझा रहा हूं, आंसर राइटिंग में जो जो चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनेंगे. क्या चीज पहले मैंने बताई कि दे वॉज नथिंग एज वी कॉल्ड एज द मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश किससे बना हुआ था, सेंट्रल इंडिया प्लस सेंट्रल प्रोविंस, इनको कहते थे मध्य प्रदेश. ये बाद में जाके मध्य प्रदेश बनता है, अभी नहीं. ओके, तो आप क्या दो वर्ड्स यूज करेंगे, सेंट्रल इंडिया प्लस सेंट्रल प्रोविंसेस. एंड ऊपर यूपी को उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे. यहां पे पंजाब के नीचे वाला जितना भी रीजन है उसे राजस्थान नहीं कहते थे, राजपुताना कहते थे. ये तब की बात मैं बता रहा हूं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया, तब की कंडीशन में बता रहा हूं. और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर ऐसा ही था. ओके, लेकिन आप आएंगे नीचे, यहां पर देखिए एक चीज आपको हमेशा दिखेगी, दैट इज गोवा. गोवा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज द पार्ट ऑफ पुर्तगाल. याद रखिएगा ये चीज. अभी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947 गोवा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, गोवा वॉज द पार्ट ऑफ पुर्तगाल. गोवा काफी लेट आता है हमारे इंडिया में, ठीक है ना. गोवा काफी टाइम तक इट वॉज विद द पुर्तगाल. पुर्तुगीज के बारे में एक और चीज याद रखेंगे, दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया, लास्ट टू लीव. सबसे पहले कौन से यूरोपियंस इंडिया में आए, पुर्तुगीज आए. सबसे लास्ट में भी कौन निकले, पुर्तुगीज ही निकले गोवा छोड़ के. ओके, आप ये चीज याद रखेंगे. दूसरा बात आप यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, देर वॉज नथिंग वॉट वी कॉल एज द तमिलनाडु. यहां पूरी की पूरी जो थी वो थी मद्रास प्रेसिडेंसी. देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ तमिलनाडु. ओके, ये चीज आप याद रखेंगे, नो कंसेप्ट ऑफ कर्नाटका. और यहां पर चले जाइए, यहां पे मणिपुर, जस्ट लुक एट हियर, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, ये आपको ऐसे फॉरेन एंटिटीज मिलेंगे. एंड ओनली थिंग यू विल फाउंड इन द नाइट नॉर्थ ईस्ट वॉज द असम. आपको पूरा असम मिलेगा. ओके, पहले आप मैप समझेंगे, यही वर्ड्स आप यूज करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग. अगर 1947 तक कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है रिलेटेड टू द स्टेट डिवीजन, तो आप ये चीजें याद रखेंगे. यहां पे पूरा कोई महाराष्ट्र नहीं था, पूरे का पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था. ओके, बट यू विल रिमेम्बर देर वॉज नो नथिंग कॉल्ड एज द कैलकाटा प्रेसिडेंसी, देर वॉज समथिंग वी कॉल्ड एज द बंगाल. ये बंगाल हो चुका था. ओके, ये बंगाल हो चुका था. कौन से एक्ट के बाद ये पूरे का पूरा बंगाल बन गया, विच एक्ट, आफ्टर विच एक्ट. इसके लिए आप याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंगाल कब बनता है, कौन से एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है. शाबाश,
कौन से एक्ट में सब एक्ट मैंने कराए हुए, कौन से एक्ट में गवर्नर, नहीं नहीं 1773 नहीं था, नहीं था 1773 नहीं था। फिर मेरा क्वेश्चन पूछिए, सुनिए, कौन से एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है? शाबाश शाबाश। और बाकी भी बता दें, विच एक्ट वॉज इट, बाकी भी बता दें, यू हैव स्टडीड इट ऑल, सबने पढ़ा हुआ है, रिविजन नहीं करते क्या आप लोग? 1833, अच्छा और सेवनटीन एटी फोर, अच्छा बताते जा बताते जा, लेट मी सी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से इसमें बनते हैं? कौन सा एक्ट था भाई, पहले यही बात बता दो, 1786 कौन सा एक्ट था? 1773, ओके, देयर वाज नो एक्ट व्हाट वी कॉल एज अ 1786 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ओके, तो आप याद रखेंगे, आई जस्ट सेड इन द बिगिनिंग कि 1773 नहीं था, सो डेट आप कंफ्यूज हो जाएं। इसने ये बताया कि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, अगर आपने किया होता तो इतने सारे डिफरेंट साइन मेरे पास आंसर्स जो लोग दे रहे हो ना देते हो 1773 पे ही रहते। ओके, सो यापन वाज राइट, अदर्स वर आल्सो राइट, जिन्होंने 1773 का, इट वाज द एक्ट ऑफ 1773, द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर। उसके बाद ये पूरा कैलकटा बंगाल के नाम से जाने जाने लगा, क्लियर। उसके तब से मैप जो है चेंज हुआ है। अब आ जाइए यहां पर, आगे बढ़ते हो, तो व्हाट यू विल रिमेंबर, यू विल रिमेंबर द क्रोनोलॉजीज, और ये प्रेजेंट डे मैप है, ये प्रेजेंट डे मैप है। अभी 1947 का मैप देखिए, प्रेजेंट डे मैप देखिए, व्हाट वी सी व्हाट वी कॉल एज द इंटरनल एडजस्टमेंट, कि इंडिया ने काफी ज्यादा इंटरनल एडजस्टमेंट की है, क्लियर, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल एडजस्टमेंट। अब ये इंटरनल एडजस्टमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं करके गई, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो नहीं करके दी। सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने तो इंटरनल जो अरेंजमेंट थी ये तो नहीं की, वो तो बेचारे ऐसा छोड़ के गए थे। फिर 1947 से यहां तक हु गॉट दिस थिंग, Who got these changes? ये पावर किसको मिला था? तो who has, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि who has the power to redraw the map of India? याद रखेंगे आप ये बात, who has the power to redraw the map of India? ये देखिए, ये 1947 का मैप है, ये आज का मैप है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तो ये किया नहीं, तो आपसे जो चीज पूछी जाएगी वो ये कि who has the power, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हु हैज द पावर टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज द पावर टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। और ये पावर किसको दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया? पार्लियामेंट को दिया। पार्लियामेंट हैज द पावर टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि ये स्टार्ट कहां से होता है? देयर इज समथिंग वी कॉल्ड एज अ डोमिनो इफेक्ट। अगर इस 47 तक सब लोग ऐसे सही सिस्टम चल ही रहा था तो व्हाई दिस चेंजेस, ये चेंजेस इतनी सारी क्यों हो गए? तो इस समय आप एक याद रखेंगे, एक कंसेप्ट मैं आपका यहीं पर बता दूं कि 47 में जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जाते हैं तो दे लीव अस विद थ्री फोर्थ टाइप ऑफ स्टेट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। ये हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के जाते हैं।
एंड टूडे वॉट वी हैव स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स यूटीज, क्या खाली स्टेट एंड यूटीज है या कुछ और भी है हमारे पास? शाबाश, डू वी हैव ओनली द स्टेट एंड यूटीज या कुछ और भी होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी बता दे मेरे को, क्या हमारे पास सिर्फ स्टेट एंड यूटीज है आज या कुछ और भी है? शाबाश, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज सिर्फ इंडिया में स्टेट एंड यूटीज है या कुछ और भी है? एम्बेसीज, अच्छा एम्बेसीज, अच्छा 20 स्टेट है, यूटीज, ओके, व्हाट वी प्रेजेंटली हैव, अब आप याद रखेंगे, यस एम्बेसीज तो है ही है, व्हाट वी टुडे हैव, वी हैव स्टेट्स, वी हैव यूटीज एंड वी हैव टेरिटरीज ऑफ इंडिया, we have territories of India, these embassies, these projects, these armed coast, okay, army ke jitni bhi bases hai foreign mein, which is the first foreign country jahan par India ne apni base banayi hai, military base hai, kahan par hai? Shabash, first foreign country jahan par India ka foreign apna military base hai, first country, shabash, first country to have इंडियन मिलिट्री बेस, फॉरेन कंट्री कौन सी है? तो जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लिखेंगे डिजिबूटी, क्या लिखेंगे आप? डिजिबूटी, डिजिबूटी कहां पर है? अफ्रीका में। हु वॉज द फर्स्ट, इसी से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट डिजिबूटी? तो वो थे रामनाथ गोविंद, जो प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट है। दो क्वेश्चन उस पर बनते हैं। खाली एम्बेसीज हमारी टेरिटरीज नहीं है, वी हैव ऑल्सो परचेज एन आईलैंड, हमने नीचे एक आईलैंड भी खरीदा हुआ है, ओके नीचे एक आइलैंड भी हमने खरीदा हुआ है बिल्कुल इंडियन ओशन में, वी हैव परचेज एन आइलैंड देयर आल्सो, वी हैव मिलिट्री बेसिस, हमारा कैस्पियन सी के अराउंड में वी हैव द ओएनजीसी प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, तो वो भी हमारी ही टेरिटरी है, वी हैव अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिजनेस गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान, वी हैव इन ईरान, तो ये सब हमारी टेरिटरीज है, यस प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बिकॉज वी गेट दीज ऑन लीज, हम इन्हें लीज पे लेते हैं, और जब वंस वी गेट इट ऑन द लीज तो दे बिकम द टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, द वर्ड आई यूज आर द टेरिटरीज, द स्टेट्स यूज करना है ना, यूनियन टेरिटरीज, आई यूज द वर्ड वी कॉल्ड एज द टेरिटरीज, ओके, और याद रखेंगे इन सब की जो इनकम है वो जीडीपी में काउंट होती है, ओके इन सब की जो इनकम है वो जीडीपी में काउंट होती है। अब बढ़ते हैं आगे, व्हाट वी हैव नाउ, व्हाट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, वी ऑल्सो हैव सम टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इन सब का लिस्ट कहां पर पड़ा है? वेयर वी हैव द नेम ऑफ ऑल दीज, कौन से स्केड्यूल में होता है? इन सब के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज के नाम कौन से स्केड्यूल में होते हैं? स्केड्यूल पढ़े हैं आप लोगों ने? शाबाश, तो इट इज इन द शेड्यूल वन, ओके शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब के नाम मेंशन है, और आप ये चीज याद रखेंगे कि जिस जिस के नाम शेड्यूल वन में मेंशन है, जिस जिस जगह के नाम शेड्यूल वन में मेंशन है, वो इंडिया की टेरिटरी है, वो इंडिया की क्या है? टेरिटरी है। वर्ड सुनना मैं ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, जो जो नाम शेड्यूल वन में मेंशनड है वो इंडिया की टेरिटरी है, ओके अब मेरे को एक बात बताएं, वी से कि पीओके इज आर्स, पाकिस्तान ओकीपाइड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट सेज सो, देयर इज अ रेजोल्यूशन दैट हैज बीन पास्ड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो टेरिटरीज है, दे आर ऑलरेडी लिस्टेड इन शेड्यूल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहले से ही शेड्यूल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। अगर कल पीओके को उठा के इंडिया के साथ मिलाया जाता है, क्या उसे डायरेक्टली स्टेट या यूनियन टेरिटरी बना देंगे?
ओके, वो जरूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे आप जो मैं बात कह रहा हूं। उसका नाम शेड्यूल वन में आ चुका है। जो पावर शेयरिंग की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, कि जो भी टेरिटरी है वो शेड्यूल वन में है, वेदर वो आप मैप पे देखते हैं या नहीं है, शेड्यूल वन में उसका नाम है। एग्जाम्पल पीओके, ओके, सो शेड्यूल वन डील्स विद, याद रखेंगे आप, विद ऑल द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जितनी भी इंडिया की टेरिटरीज है, वेदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, बाकी टेरिटरीज, उन सब का नाम कहां पर मेंशन है, शेड्यूल वन में। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे दो टर्म्स, जस्ट वेट। ओके, यहां तक सबको क्लियर है, जो जो मैंने अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, पर जितना बताया, इज इट क्लियर? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? एनीवन हैविंग एनी ऑब्जेक्शन टिल नाउ? टिल नाउ जितने मैंने बेसिक जो बातें बताई हमने, मेरे शेड्यूल वन के बारे में आपको बताया, उसके बारे में कुछ नहीं है, मैप के रीड्रॉइंग के बारे में बताया, हु हैज अथॉरिटी, द अथॉरिटी लाइज विद द पार्लियामेंट, ये मैंने आपको बताया। नाउ द थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस और यू नीड टू नो, दैट थिंग इज व्हाट वी कॉल, कि जो है व्हाट इज द डिफरेंस, Yes, type of the states left by the Britishers was type part A, part B, part C and part D states. Okay, these four were the type of the states जो Britishers छोड़ के गए थे। अब जब हम evolution of states पढ़ेंगे इस chapter के end में, तब मैं एक एक को define कर दूंगा। Okay, तो 1947 से पहले we never had the concept of states and union territories. What we had part A, part B, part C and part D type of states. Okay. अब यहां आ जाइए, अब कंडीशन आ जाती है दो। यहां पर कंडीशन ये आती है कि आप पार्लियामेंट में दो वर्ड्स पढ़ेंगे, एक यूनियन, एक आप वर्ड पढ़ेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, और दूसरा वर्ड आप यहां से पढ़ेंगे दैट विल बी टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब ये जैसे आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे, पार्ट वन में जाएंगे, दो वर्ड आप पढ़ेंगे, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरी टर्म आप पढ़ेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा भाई, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यूनियन ऑफ स्टेट जहां भी कभी यूज होगा उसमें आप यूज करेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स? शाबाश, वर्ड क्या क्या आता है इसमें, यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आप ये चीज याद रखेंगे। हू हैज द पावर टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, इट इज विद द पार्लियामेंट, पहले यहां से शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये इंडिया के मैप को रीड्रॉ कर सकता है। जब मैं वर्ड यूज करता हूं रीड्रॉ, ध्यान से सुनेंगे आप, तो रीड्रॉ का मतलब क्या है? रीड्रॉ का मतलब यह है कि ये कोई फॉरेन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बना सकता है और अपनी टेरिटरी को फॉरेन को दे सकता है। व्हेन आई से द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, इसकी साथ तीन बातें जुड़ी हैं। एक, ये फॉरेन टेरिटरी को अपना बना सकता है, पहली बात। दूसरा, अपनी टेरिटरी को फॉरेन को दे सकता है। थर्ड, ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है ताकि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट कर सके। तो जो ये वर्ड है रीड्रॉ, इसका मतलब क्या क्या है? इसका मतलब ये है पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी दूसरे को दे सकता है, टिक, दूसरे से ले सकता है, टिक, और अपने ही अंदर इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है ताकि एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट हो, टिक। तो रीड्रॉ जो वर्ड है इसकी मीनिंग तीन है, क्या क्या, फॉरेन टेरिटरी को ले सकता है, फॉरेन को अपनी टेरिटरी दे सकता है, और इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं ही आपसे पूछ लेता हूं, क्या इंडिया अपनी टेरिटरीज फॉरेन को दे सकता है? क्या इंडिया अपनी टेरिटरीज, एग्जिस्टिंग टेरिटरीज, इंडियन पार्लियामेंट फॉरेन को दे सकता है?
जी हाँ दे सकता है. ओके वी डिस्कस्ड अबाउट द बेरुबरी केस. लास्ट क्लास आप देखेंगे, वी डिस्कस्ड अबाउट द बेरुबरी केस. बेरुबरी केस को हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बांग्लादेश इंडिया लैंड एग्रीमेंट, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया. एंड व्हेन वी डिस्कस्ड ऑल दिस वी सॉ दैट देयर वाज द एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स इन्वॉल्वड. लैंड एक्सचेंज हुए थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. सो व्हेन आई से कि किसी से फॉरेन टेरिटरी से ले सकते हैं और दे भी सकता है, इट इज ऑल ट्रू. इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो सकता है, जी हाँ, रिसेंटली J&K ही शिकार हुई है इस पावर का. तो पार्लियामेंट व्हेन वी से रीड्रॉ कर सकता है, तो उसमें तीन चीजें आ सकती है. फॉरेन से लैंड ले सकता है, फॉरेन को दे सकता है, और इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है. ये आर दिस इज व्हाट आई मीन बाय रीड्रॉ, दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है भाई सर, आप मैंने आपसे कहा जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहां पे तीन दो टर्म्स आप ज्यादा पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? यूनियन ऑफ स्टेट्स जो वर्ड है आप याद रखेंगे, इसमें एक तो आपकी जितनी भी स्टेट्स है वो आती है, प्लस आपकी यूनियन टेरिटरीज आती है, प्लस टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा. व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड है, इस वर्ड में क्या क्या आता है? पहला स्टेट्स आती है, यूनियन टेरिटरीज आती है, और वो टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा. ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं. यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब खाली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नहीं है. स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स में आपकी स्टेट्स आती है, यूनियन टेरिटरीज आती है, प्लस वो टेरिटरीज आती है जो हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे. दैट मींस फ्यूचर में हम फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान इंडिया के साथ मिला लेते, तो बलूचिस्तान विल बी पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स. बलूचिस्तान विल बी द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि वो टेरिटरीज है जो हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे. ठीक, तो यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स को मैंने बिल्कुल नैरो करके रखा हुआ है. स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, वो टेरिटरी जो हम फ्यूचर में लाएंगे, गेम खत्म. लेकिन पीओके वॉज वी से पार्लियामेंट में चला के हम कहते हैं पीओके इज और इंटरगल पार्ट, इंडिया का इंटरगल पार्ट है. वॉट इफ ही इट इज राइट नाउ विद द पाकिस्तान, पीओके इज राइट नाउ विद द पाकिस्तान. What if we get this POK back? थी तो हमारी ही टेरिटरी, ये पहले से ही स्केड्यूल 1 में लिखा हुआ है POK के बारे में. POK is already listed with the Schedule 1 of the Indian Constitution. पहले से ही उसमें लिखा हुआ. अब हम इसको वापस ला रहे हैं. ठीक, so it is already in the Schedule 1. अब ये हमारे पास वापस आ रहा है. So what we call it? We called it as the territory of India. क्योंकि ये पहले से mentioned है हमारे Schedule 1 में, ये future में नहीं आ रहा हमारे पास. जो future में हम territories इंडिया के साथ मिलाएंगे, उनका नाम कहीं लिखा नहीं है Schedule 1 में. लेकिन जिन जिन का नाम Schedule 1 में लिखा हुआ है, currently हमारे पास नहीं है. For example, it's Aksai Chin, it's POK, it's even it is Kacha Devu. We are talking about the Kacha Devu also. ये सब का सब वी विल एक्वायर वन डे बैक. सो दीज आर ऑलरेडी द टेरिटरीज ऑफ इंडिया. तो अब यहां पर आप डिफरेंस समझेंगे. डिफरेंस ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या हो गया, स्टेट्स प्लस यूटीज. ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये पूरा, जस्ट वेट, ये जो मैप पूरा आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या है, स्टेट प्लस यूटी प्लस मे बी कलम. यहां से बलूचिस्तान उठाते हैं, यहां से हमने बलूचिस्तान उठा लिया, यहां से बलूचिस्तान उठा के इंडिया के साथ मिला दिया, प्लस द टेरिटरीज वी में एक्वायर इन फ्यूचर. इन सबको मिला के कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है भाई साहब,
अब सेकेंड टर्म में टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो यहां पे देखिए ये वाला पार्ट ओके एंड ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक, ये वाला पार्ट दो, ये दोनों पार्ट हमारे पास नहीं है. दीज आर, दिस पार्ट इज विद चाइना, दिस इज कॉल्ड एक्साई चीन, दिस पार्ट इज कॉल्ड पीओके, पाकिस्तानों की पार्ट कश्मीर. बट दीज आर ऑलरेडी लिस्टेड इन शेड्यूल वन, ये पहले से ही दोनों की दोनों टेरिटरीज किधर लिस्टेड है, शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी अब टेरिटरीज में क्या क्या आ गया, स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस जिस जिस जगह का नाम शेड्यूल वन में लिखा हुआ है ओके, प्लस वो जगह जिसको हम फ्यूचर में अक्वायर करेंगे उसका नाम भी तो शेड्यूल में जाएगा, शेड्यूल वन में जाएगा. तो ज्यादा ब्रॉडर टर्म कौन सी हुई, टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये छोटी टर्म है बिकॉज इसमें शेड्यूल वन का कंसेप्ट है, लेकिन जो जो शेड्यूल वन में लिखी है वो सबका कंसेप्ट नहीं है. यहां पर आपका पीओके जैसी जगह का भी कंसेप्ट है. सो विच इज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जर एरिया कौन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया. जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए लार्जर टर्म व्हेन कंपेयर्ड विद द यूनियन ऑफ स्टेट्स. इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, इज इट क्लियर टिल हियर. शाबाश, यहां तक क्लियर है, सबके सब बता रहे हैं, यहां तक क्लियर है आपका कि कैसे टेरिटरी ऑफ इंडिया एक लार्जर टर्म है देन द यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक, तो पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन, या सबके सब बताए मेरे को. देखिए अगर मैं आगे निकल गया, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी ओके, यू कैन आस्क मी एंड मैं आपका आंसर दे दूंगा. बट अगर मैं आगे भाग गया देन आई वॉन्ट बी कमिंग बैक. तो इसलिए सबके सब बताएं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ओके. तब तक मैं रिवाइज कर दूं कि अभी तक आपको दो चीजें पता चली, एक Who has the power to redraw the map of India? It is with the parliament. दूसरी बात जो मैंने आपसे पूछी वो ये थी कि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए what type of territories they left part A, part B, part C, part D states. ठीक हो गया. उसके बाद we discussed about the difference between union of states and territory of India, कि larger term दोनों में से कौन है. We discussed that the territory of India is the larger term. Why? फिर मैंने आपको पीओके का एग्जांपल दिया, इट इज ऑलरेडी लिस्टेड इन द शेड्यूल वन एंड इट इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अमित शाह की स्पीच सुनेंगे आप जिस दिन 370 एब्रोगेट हो गया, उसने कांग्रेस से क्वेश्चन किया, क्या आप पाक अधिगत भारत, पाक अधिगत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते. ही क्वेश्चन डेट, जब उसने बोला था जान दे देंगे उसके लिए ओके. तो डेट वॉज, डेट स्टेटमेंट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी ओवर ट्रेडेड टेरिटरी. And if it is our territory, it is listed in Schedule 1. If it is listed in Schedule 1, the territory of India ka concept is broader than the Union of States and India. Okay, so this was the basic idea. Ab badhte hum aage. Okay, so what was here? Ye cheez aap yaad rakhenge ki if someone had lived in 1947 ka time usne dekha hai, and achanak कोमा में था वो इतने साल एंड ही वेक्स अप इन द 2021, तो ये वाला स्ट्रक्चर देख के ही विल बी लाइक कि ये सब कैसे हुआ ओके. सो देयर इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजी. अगर आप अपनी कोई भी बुक खोलेंगे, वेदर इट इज डीडी बासु, वेदर दिस इज, अगर आपकी लक्ष्मीकांत, कोई भी अरिवन आर्यांत, कोई भी बुक आप लेते हैं, तो उस बुक में आप देखेंगे कि हर एक स्टेट का बताया हुआ कौन सी स्टेट कब एड हुई, कौन सी स्टेट कब एड हुई, सब लिखा हुआ है. ओके, देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट गिवन कि कौन सी स्टेट कैसे ऐड होती है, व्हाट आर द फीचर्स थ्रू विच दे एडेड, कैसे ऐड हुई एंड एवरीथिंग, वो आप वहां से पढ़ेंगे. क्लियर, जो क्रोनोलॉजी है स्टेट्स की वो आप वहां से पढ़ेंगे, बिकॉज वो एक स्टैटिक चीज है जिसको खाली याद करना है. थोड़ी सी मैं भी यहां पे बताता रहूंगा, बट वर्ड बाय वर्ड आप उसको याद करेंगे. जैसे गोवा कब इंडिया में एंट्री हुई, पुदुचेरी कैसे एंटर हुआ, वो जो डेट्स है वहां पर, कि महाराष्ट्र कब बना, गुजरात कब अलग होता है, ये सब आप वर्ड बाय वर्ड करेंगे याद. कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आर आस्क्ड, दैट मींस वो क्वेश्चन आपके हाथ में होते हैं ओके. नॉर्थ ईस्ट वाले अगर पीसीएस दे रहे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की ओर ध्यान देंगे, वहां पे वो ज्यादा पूछे जाते हैं.
बाकी नॉर्थ इंडिया वाले या साउथ इंडिया वाले जो क्लास देख रहे हैं, वो पहले अपने अपने रीजन की स्टेट फॉर्मेशन से याद करेंगे ढंग से, उसके बाद पूरे इंडिया पे जाएंगे। क्लियर यहां तक? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए, मेरी एक फिर से एक रिक्वेस्ट है, ओके, दिस इज अ रिक्वेस्ट, कि जब मैं पूछता हूं किसी को समझ में आया या नहीं आया, मैं सिर्फ आपके 2 सेकंड मांगता हूं, ओके, तो आप यस नो में मेरे को बता दिया करें। उससे यह होता है कि मैं फुली सेटिस्फाई होता हूं कि आगे जाना है या नहीं, ओके, वरना फिर वापस आना, फिर वो क्वेश्चन कहीं फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन ना बन जाए, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, ओके। सो अगर मैं भी देखिए, वो मैसेजेस पढ़ने के लिए मेरे को भी दूसरी विंडो खोलनी पड़ती, सो मेरा कोई ऐसा है नहीं कि मैसेज मेरे सामने आ जाता है, ओके। सो व्हेन एवर आस्क यू द क्वेश्चंस कि समझ में आया, बस आप 2 मिनट लगा, देखिए मैं बार बार आपको बोलता नहीं, और नाइदर वी आर डूइंग द मॉक, ओके। सो मेरे को भी दूसरी विंडो खोल के जाके आपके सारे मैसेजेस पढ़ने होते हैं। दूसरी विंडो खोल तो मेरे यहां जो स्लाइड से स्लाइड पे आपके मैसेजेस नहीं आते हैं, ओके। सो आई हैव टू गो बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मेरे को टैब खोलना पड़ता है, वहां पर आपके मैसेजेस आते हैं, वहां से मैं देखता हूं। क्लियर? अगर अब व्हाई दिस फीचर हैज बीन एडेड सो दैट आपका थोड़ा सा सेपरेट रहे रिकॉर्डेड क्लास से। अगर ये फीचर ना होता तो मैं तो खाली रिकॉर्डेड ही डाल देता आपको, आप देख लेते हो, बिकॉज इट वुड हैव बीन द सेम मीनिंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं आगे। अब पार्ट वन जब स्टार्ट होता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो यह से लिखा हुआ है, पार्ट वन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अच्छा टेरिटरीज वर्ड यूज क्यों किया हुआ है, मैंने समझा दिया, बिकॉज इट इज वाइडर। अभी मैंने क्लियर किया चीज। अभी यूनियन क्यों ऐड किया गया वर्ड, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वही किसी पिटी कहानी दैट द इंडियन स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स थी। अब यहां पर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके साथ, फेडरेशन के साथ, और फेडरेशन में आप एग्जांपल लेते हैं यूएसए का। आप ये कहते हैं कि इंडिया में, यहां पर ही क्यों नहीं लिखा इंडिया इज ए फेडरेशन, हम कहते हैं इंडिया इज ए क्वासी फेडरेशन, तो हम ये क्यों नहीं लिखते द फेडरेशन ऑफ इंडिया, व्हाई वी लाइक द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका एक घिसा पिटा आंसर ये कि यूएसए में आफ्टर द रेवोल्यूशन 50 स्टेट्स आपस में थ्रू एन एग्रीमेंट मिलती हैं, उस एग्रीमेंट में पावर शेयरिंग होता है विद द सेंटर, एंड बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, इट वॉज थ्रू एन एग्रीमेंट। ये चीज आप याद रखेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप होपफुली आप मेरे ही पास पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी वाले, तो मैं आपको तब बताऊंगा अबाउट ऑल दैट, क्या क्या लिखा था इस एग्रीमेंट में, एवरीथिंग। बट यहां आप याद रखेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन दीज 50 स्टेट्स, तब जाके क्या बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें परफेक्ट पावर शेयरिंग हुई थी और परफेक्ट डिफरेंशिएशन हुआ था, यानी स्टेट का अपना फ्लैग, सेंटर का अपना फ्लैग, ओके। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तो एक फ्लैग है, लेकिन हर स्टेट का वहां पर अपना फ्लैग है, और हर स्टेट का अपना एक कोर्ट है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूएस का अपना, पूरे ओवरऑल यूएस का अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। जस्ट वेट आपके, जस्ट वेट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है लाइन पे, आप लाइव रहे, जस्ट वेट। हाँ जी सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट दे दीजिए मेरे को।
जस्ट वेट, हाँ जी सर, ये नंबर दीजिएगा सर। हाँ जी सर, हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ओके गाइस, ओके ओके, माय अपोलॉजीज, वी हैड अ प्रॉब्लम ऑन द ऐप ओनली। ओके, अब यहाँ आ जाइए, वो विल बी ओके, देख लीजिए। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो 50 स्टेट्स थी, ये सब मिलके आती है, कुछ फेडरेशंस मिलके आते हैं एंड दे फॉर्म, इनिशियली इट वॉज नॉट 50, इट वॉज लेस, लेकिन आप याद रखेंगे प्रेजेंटली देयर आर 50 स्टेट्स, सो सम स्टेट्स केम। तो पहले क्या होती थी, जो यूएस की जो कॉलोनीज होती थी, दे कॉलोनीज, वो सब कॉलोनीज मिलती हैं, एक एग्रीमेंट साइन करती है, बाद में वही कॉलोनी स्टेट्स बनती है, प्रेजेंटली 50 स्टेट्स है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है, परफेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों की लिस्ट डिफाइंड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, स्टेट की अपनी इंडिपेंडेंस है, स्टेट हैव द देयर ओन फ्लैग, स्टेट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेंटर का अपना एक अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज हाउ द थिंग्स मूव इन यूएस। बट इंडिया में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। इंडिया में जैसे अंग्रेज ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट जैसे छोड़ के गए थे, उन्हीं को बाद में इंडिया में साथ जोड़ा जाता है, वही सब आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वो सब डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ मिल जाती है। द वर्ड दैट यू विल चूज इज द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ओके, रेड क्लिफ लाइन डिवाइड करती है दो डोमिनियंस को, इंडिया और पाकिस्तान को। सो कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया के साथ मिलती है, कुछ पाकिस्तान के साथ मिलती है, सम वेयर लेटर अक्वायर्ड। ओके, दैट इज वाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन, इसलिए यूनियन कहा जाता है, बिकॉज देयर वॉज नो एग्रीमेंट इन वॉल्व। ओके, दिस इज द सेम आंसर, हर एक बुक में आप यही चीज पढ़ेंगे। बट वॉट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज कि ये पार्ट वन का पहला आर्टिकल कहता क्या है, व्हाट डज द आर्टिकल वन से। आर्टिकल वन का फर्स्ट पार्ट कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो आर्टिकल एक, आर्टिकल एक है, लेकिन बातें दो कह रहा है। पहली बात क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है कि इंडिया ने अपना जो ट्रेडिशनल नेम था भारत, उसको भी वेरीफाई करके रखा हुआ है, उसको भी लिस्टेड रखा हुआ है एंड इंडिया को भी रखा हुआ है, दैट वॉज द इंग्लिश नेम। ओके, सो इंडिया दैट इज भारत मीन्स दैट इंडिया इज मॉडर्न नेम एंड एज वेल एज द इंडियन ट्रेडिशनल नेम are both accepted as official name, दोनों के दोनों official names है इंडिया के। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि why India and why भारत,
ओके, व्हाई इंडिया एंड व्हाई भारत, व्हाई नॉट इंडिया और भारत, दोनों को रखा क्यों गया? 2020 में एक पटीशन आती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ओके, जो तब के चीफ जस्टिस थे, इट वॉज बॉबडे, जैसे बॉबडे थे, ही वॉज द चीफ जस्टिस एट दैट टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक पटीशन आती है, आई थिंक इट वॉज जून, यस जून 2020 में आती है। पटीशन क्या थी कि इंडिया का नाम आप रीनेम करके रख दें भारत, ओनली भारत। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इंडिया डेट इज भारत, डेट मीन्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ट्रेडिशनल हमने चलना तो हम भारत यूज करेंगे, हमने मॉडर्न नाम से चलना, वी विल यूज इंडिया ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। लेकिन जो पटीशन आई, इट वॉज कि इंडिया को रिनेम किया जाए खाली एज द भारत। ओके, अब वाई, व्हाट इज द थिंग दैट दे से? दे से कि जो इंडिया है, इट इज गिवन टू अस अ नेम थ्रू द ग्रीक्स, ये ग्रीक्स ने हमें नाम दिया। भारत इज अवर इंडिजीनियस आइडेंटिटी, ये पटीशन में कहा गया। तो बॉबडे जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, ही सेड दैट वी विल गिव इट टू द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को रेफर कर दिया। क्लियर? बट देयर वाज वन मोर थिंग, क्या चीज थी? आप यहां पर एक चीज याद रखेंगे, कैन एनीवन टेल मी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया? सेंटर को क्यों भेज दी? सुप्रीम कोर्ट एक हिसाब से देखा जाए, अगर कोई पटीशन जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को जजमेंट सुनानी चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाना चाहिए था, जजमेंट सुनानी चाहिए थी। लेकिन ये पटीशन उठाकर उन्होंने सेंटर को रेफर कर दी, ऐसा क्यों हुआ? शाबाश, एनीवन, कोई बता सकते हैं मेरे को? मैं कहता हूं जुलाई 2020 में एक पटीशन आती है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत, यानी टू कॉइन्स ऑफ द सेम, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इंडिया भी भारत भी। इंडिया को हमने रखा हुआ एज ए ट्रेडिशनल, एज ए मॉडर्न नेम, एंड भारत इज यूज एज ए ट्रेडिशनल वे, दोनों वैल्यूज हमने रखे हुए हैं। लेकिन जब पटीशन जाती है, पटीशन ये जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में, पटीशन ये कहती है कि इंडिया का नाम चेंज कर दो, इंडिया जो है वो ग्रीक्स ने हमें नाम दिया है, वी शुड ओनली नेम इट एज भारत। मेरा क्वेश्चन ये कि बॉबडे जो चीफ जस्टिस थे, वो इस पटीशन को उठाते और किसको रेफर कर देते? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों नहीं फैसला सुनाते इसके ऊपर? व्हाई नॉट? एनीवन, कैन यू हेयर मी गाइस? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? कैन यू हेयर मी? जी बिकॉज आपने सर पहले ही समझाया था ना ये कि जो भी टैरिफ, कोई भी मतलब अल्टरेशन हो या एडॉप्टेशन हो या कोई भी चेंजिंग हो, वो सिर्फ ऑन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब पावर्स ऑन सिर्फ पार्लियामेंट के हैंड में है। तो इसमें जुडिशरी का कोई कंसल्टेंसी नहीं था कि उसका चेंज करना या उसको वही रखना। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, तो मैंने तो अभी आपसे कह दिया द पावर टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया लाइज विद द पार्लियामेंट, पार्ट वन, पूरे का पूरा पार्लियामेंट के हाथ में। ओके, एंड जब आप किसी चीज को रीड्रॉ करते हैं, यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट। और नेमिंग भी जो नोमन क्रेचर है, ये भी पार्लियामेंट के हाथ में। दिस इज वाई बॉबडे पटीशन उठाते हैं और कहां पर रख देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि इस पर जवाब दे, याद रखेंगे आप ये बात, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये ना कोई टाइम बाउंड होती है, ना इस पे जवाब देना ही देना, ऐसा कुछ लिखा हुआ। उन्होंने पिटीशन उठाई, फॉरवर्ड कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी, जितना मर्जी टाइम लेके, जो मर्जी चाहे डिसीजन इस पे दे सकती है। ये चीज आप रखेंगे याद। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। सो करंट के साथ जोड़ के, यहां पे पहला पार्ट था इंडिया डेट इज भारत,
shall be union of states. Union of state means states, union territories plus the territories जो हम foreign में acquire करेंगे. ये clear कर चुका हूं मैं. The states and the territories लिखा हुआ यहां Yes, guys, can you hear me now? ठीक है, क्लियर है. हाँ, अब आपको इससे और एक क्वेश्चन आता है, जो पटिशन लास्ट ईयर फाइल हुई, क्योंकि पटिशन लास्ट ईयर ही फाइल हुई है, उससे एक और क्वेश्चन ये आता है कि हु हैज द पावर टू चेंज द नेम ऑफ इंडिया. कि अगर इंडिया का ही नाम चेंज करना है, हमारी कंट्री का नाम चेंज करना है, तो पावर किसके पास में. दिस पावर लाइज विद द पार्लियामेंट. ये चीज आप याद रखें. द व्हाट विल बी डूइंग. ओके, सो वी रेड इंडिया डेट इज भारत. दैट मीन्स अ ट्रेडिशन ऑफ, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल. नेम इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स से हमारा मतलब क्या है. बाय यूनियन ऑफ स्टेट्स वी मीन कि जब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात होती है, यूनियन ऑफ स्टेट्स से हम ये बात करते हैं कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ states plus union territories plus the territory that will be acquired in the future. Ab yahan pe likha hai the states and the territories shall be as specified in the first schedule. First schedule mein kya hai, naam hai sabke sabke. Okay, jitni bhi territories hain, jitne ki territories ka naam hai, wo kahan par hai, first schedule mein. Ab yahan par dekhiye, the territory of India shall comprise of, किस किस का comprise करेंगे. Territory, okay, union of states की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं the territory of India, क्या क्या आएगा उसमें. The territories of states, UTs, first schedule specifications, okay, and such other territories that may be acquired. Okay, so this is the definition of territories of state, also given in article 1. तो article 1 में क्या क्या दिया हुआ है, nutshell में आप बोलेंगे इंडिया का नाम, नेम दैट इंडिया दैट इज भारत, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, प्लस टेरिटरीज ऑफ इंडिया, प्लस फर्स्ट शेड्यूल का जो मेंशन है वो आर्टिकल 1 में है. कि फर्स्ट शेड्यूल में जो है नाम होगा, ये मेंशन कहां पर है, आर्टिकल 1 में है. ओके, अब सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया की सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिक्स. इंडिया की सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिक्स. ओके, अब व्हाट डू मीन बाय द पॉलिटिक्स. ये पॉलिटिक्स का कनेक्शन यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं कि जो ओरिजिन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली दो जगह से होती है. एक होता है मोरले मिंटो रिफॉर्म से, याद रखेंगे आप बात. जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो जन्म है वो दो जगह से होता है. एक होता है मोरले मिंटो रिफॉर्म से. वहां पर क्या दिया गया था, वहां पर अपीजमेंट की गई थी. उसी अपीजमेंट से जो है हम लोग मिनोरिटीज को मनाते हैं, उनके वोट लेते हैं, बाद में कुछ भी नहीं करते उनके अपलिफ्टमेंट के लिए. ओके, तो पॉलिटिक्स हमारी रिवॉल्व करती है एक मिनोरिटी अपीजमेंट की तरफ. दूसरी अगर आप देखेंगे
कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहां पर हमेशा एक ऐसा एरिया होता है जहां पर वी सी विच हैज बीन पुट डाउन बाय द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल आप जेएंडके की बात ले लीजिए. जेएंडके में व्हेनेवर वी स्पोक अबाउट द जेएंडके तो लोग की नजर जाती थी कश्मीर डिवीजन पे. पहले 370 की बात करूं मैं, जब 370 का एरिया था एरा था. फिर कुछ लोगों की नजर जम्मू की ओर भी जाती थी, लेकिन लेफ्ट आउट पार्ट जो था वो था लद्दाख. वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट लद्दाख वॉज द लेफ्ट आउट पार्ट. लद्दाख की बात कोई नहीं करता था. जो लेफ्ट आउट पार्ट होता है ये हमेशा जन्म देता है किसको, ये जन्म देता है किसको, व्हाट वी कॉल्ड एज द मैग्नेटिक पॉलिटिक्स. अब मैग्नेटिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक पॉलिटिक्स का मीनिंग ये हुआ कि जिसने भी इनके ऊपर एक नजर देख लिया, मुस्कुरा लिया कि हम लोग आपके लिए हैं, हम आपको पूरा हक देंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, ये लोग वहां पे पूरे अपने वोट्स उसी बंदे को देते, उसी पार्टी को देते. सेम थिंग हैपेंड, ए पर्टिकुलर पार्टी वो करती है ऐसे एरियाज को, उन्हें वोट मिल जाती है, वो गवर्नमेंट बना लेते हैं. अब ये जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति जन्म लेती है, मैंने आपसे कहा ये इन रीजन्स को, जो ये लेफ्ट आउट रीजन्स होते हैं, इनको अपीज करके होती. अब ये लेफ्ट आउट रीजन्स को, जैसे आपने अभी वेस्ट बंगाल देखा होगा, वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन थी, दे गेव राइज टू द गोरखा लैंड, तो उन्होंने गोरखाओं को खुश करने की कोशिश की, गोरखा लैंड की कुछ की. जेएंडके में इलेक्शन होते तो लद्दाख को अपीज करते थे. तो ये सब कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं? अगर सेंटर में कोई पार्टी आके यहां पर अपीज करती है तो कोई तो बैकग्राउंड होना चाहिए ना उनके पास. तो वो अपीज करते हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत. वो है क्या, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. लेकिन आप याद रखेंगे कि द सेकेंड पिलर ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज द रीजनल अपीजमेंट, इट बिगेन फ्रॉम आर्टिकल 2. ये चीज आप याद रखेंगे. क्लियर? कि जो सेकेंड पिलर है पॉलिटिक्स अपीजमेंट की, दैट इज द रीजनल अपीजमेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 से वो चीज शुरू होती है. व्हाट इज देयर इन द आर्टिकल 2 वो अब हम देखते हैं. ओके, तो जब भी कभी किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ओके, जो कि सेंटर में स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं, तो अपनी स्टेट पार्टी को क्या करते हैं कि आप उस रीजन को अपीज करिए, वी कैन डू एनीथिंग, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता ना करिए. दैट इज वाई दे एक पर्टिकुलर पार्टी एनडीए लद्दाख को क्लीन स्वीप करती है. सेंटर में भी वही थी, बिकॉज दे न्यू कि हम लोग सेंटर में वही वाली, जिसे मैंने आपसे कहा था मैग्नेटिक पॉलिटिक्स, उन्होंने अपीज किया और सारे वोट ले लिए. बिकॉज दे न्यू कि पार्लियामेंट, व्हेन इट कम्स टू द यूनियन एंड टेरिटरीज, तो पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट में हमारी गवर्नमेंट है. तो दैट इज वाई दिस अपीजमेंट वर्क्स देयर. अभी आर्टिकल 2 कैसे जन्म देता है अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, ये इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए. आर्टिकल 2 कहता क्या है? कहता ये कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो. पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन द टर्म्स एज इट थिंक्स फिट. लास्ट वाली लाइन की ओर ज्यादा जोर लगाई कि जो टर्म एंड कंडीशंस हैं नई टेरिटरी, नई स्टेट, नई यूनियन टेरिटरी बनाने के, वो भी डिसाइड, वो टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट. इतना सुप्रीम है पार्लियामेंट इस मैटर में. ओके, यानी एक स्टेट अगर रोती भी रह जाए कि भाई साहब हमें ना तोड़ो पॉलिटिकल माइलेज के लिए, तो भी पार्लियामेंट उसकी नहीं सुनेगी. ये अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चला जाए, वहां पर भी कोई इनकी नहीं सुनेगा. बिकॉज सेकेंड आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स
ऑन साइट टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, जैसे उनको सही लगता है। अच्छा, अब ये जो एक चीज आप याद रखेंगे, जो ये आर्टिकल 2 है, ये डील करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां वर्ड क्या लिखा है, एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। यानी आर्टिकल 2 उन टेरिटरी, उन स्टेट्स की बात करता है, उन स्टेट्स की बात करता है जो यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है, जो अभी तक यूनियन ऑफ इंडिया में थे ही नहीं, उन स्टेट्स को बनाने। और लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। आर्टिकल 2 इनडायरेक्टली सेज दैट पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स कांट डू एनीथिंग। स्टेट्स कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते स्टेट्स। ओके, तो यहां पे पावर मिलता है स्टेट्स को। और यहां पर अगर आप देखेंगे, एक वर्ड मैंने कहा, द टेरिटरीज दैट वेयर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, यानी जो इससे पहले यूनियन ऑफ इंडिया के तो पार्ट ही नहीं थे, उनको आप अंदर ला सकते हैं। ओके, यू कैन गेट दोज टेरिटरीज दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, यानी इट डील्स विद द इंटरनेशनल टेरिटरीज ऑल्सो। अगर हम फॉरेन टेरिटरीज अक्वायर करते हैं तो वो भी इंडिया में जब एडजस्ट की जाएंगी तो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? आर्टिकल 2। रिमेंबर दिस थिंग, अगर हम फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर करते हैं, यस नो, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन केस ऑफ एडमिटिंग द न्यू स्टेट्स, रीड्रॉइंग द मैप ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट सिर्फ उसमें सुप्रीम है महावेश, व्हेन वी हैव टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, जैसे नई टेरिटरीज को इंक्लूड करना, अपनी टेरिटरीज को बेचना, दूसरी कंट्रीज को देना, इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना, नाम चेंज करना, ओके, फॉरेन टेरिटरी को लेना, किसको स्टेट बनाना, किसको यूनियन टेरिटरी बनाना, इन मसलों में पार्लियामेंट सुप्रीम है। बाकी चीजों में तो वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर है पर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल मैटर, जुडिशियल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल हमारा सुप्रीम है, बट जुडिशियल मैटर्स में वी हैव सुप्रीम कोर्ट दैट इज सुप्रीम। बट व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, दिस यूनियन एंड टेरिटरीज, द पार्लियामेंट सुप्रीम है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा एक बात, कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट इन विट व्हाट मैटर्स, इन द मैटर्स व्हेन इट कम्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इन मसलों की जब बात आएगी तब पार्लियामेंट इज सुप्रीम। क्योंकि आई होप इट इज क्लियर, ओके, क्योंकि आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कि पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट इन टू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। एडमिट इन टू यूनियन यानी वो स्टेट्स जो यूनियन का पार्ट नहीं थी। अगर हम फॉरन से कल बलूचिस्तान लेके आते हैं तो बलूचिस्तान को इंडिया के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम यूनियन ऑफ इंडिया में मिक्स करने के लिए? आर्टिकल 2। और अगर हमें नई स्टेट कोई बनानी, उसको नया स्टेट बनाना है, तब भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल 2। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यानी जब भी इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक दोनों के लिए हम कौन सी यूज कर सकते हैं? आर्टिकल 2। याद रखेंगे आप ये बात। अब बढ़ते हैं हम आगे, आई होप इट इज क्लियर। अब फॉरेन की जब भी टेरिटरी, अब यहां पर देखिए, फॉरेन के साथ जब भी टेरिटरीज इन्वॉल्व होती है, इससे पार्ट फर्स्ट में ओनली पार्लियामेंट सुप्रीम है इन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पार्ट फर्स्ट, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ओके, इट कांट बी क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है एज इट डीम्स फिट। क्लियर बात, बस खत्म मसला, बढ़ते हैं आगे। पार्लियामेंट कैन यूज द मेथड्स, अब यहां पर एक बात याद रखेंगे,
जब भी हमने किसी को स्टेट देनी है या किसी की टेरिटरी अपने अंदर लेनी है तो इट इज नॉट द सिंपल वे. ओके, सिंपल वे अराउंड नहीं होता है. जो ये वर्ड लिखा है ना, यहां पर देखिए, जो ये वर्ड लिखा है ना, मैं हमेशा जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्या करेंगे, आप वर्ड्स पे ध्यान देंगे. अब यहां पर वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. ऑन टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट. टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है? पाली कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसके बारे में लिखा है आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की, जिसकी समरीज में भेज चुका हूं, हजार बार पढ़ने के लिए भी बोल चुका हूं. ये टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी है जिससे एक नई स्टेट यूनियन में आती है? इसके डिफरेंट मेथड्स है. पहला मेथड है सेशन, CESSION. अब सेशन क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेरिटरी है टेरिटरी ए, ये दूसरी टेरिटरी है टेरिटरी बी. ये एक टेरिटरी है टेरिटरी ए एंड ये दूसरी टेरिटरी है टेरिटरी बी. क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेशन? मैंने आपसे कहा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, मैं समरी भेज चुका हूं, उसमें डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की टेरिटरी कैसे ले सकती. तो पहला मेथड जो है वो है सेशंस. अब ये सेशन का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक टेरिटरी है ए, यहां पर एक टेरिटरी है बी, और उस ए के इर्द गिर्द जितनी भी टेरिटरीज हैं बी की ही है. याद रखेंगे हम, दो टाइप की टेरिटरीज, एक है टेरिटरी ई ए, एक है टेरिटरी बी. ए जो टेरिटरी है वो बी के बीच में सैंडविच हो गई है, वो बी के बीच में क्या हो चुकी है, सैंडविच हो चुकी है. ठीक. अब ए की जो मदर कंट्री है वो किसी और जगह पे, फॉर एग्जाम्पल वो दूर है, और ए की लेकिन ये टेरिटरी बी के बीच में फंसी हुई. टेक द एग्जाम्पल ऑफ गोवा. गोवा किसकी टेरिटरी थी? पुर्तगाल की. पुर्तगाल कहां था? यूरोप में. और गोवा कहां था? इंडिया के पास, इंडिया में ही था. तो गोवा को, पुर्तगाल को वहां से रूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था. अब दो रास्ते हैं, या तो ए वॉर स्टार्ट कर दे बी के साथ, या तो चुपचाप ए अपनी ये जो छोटी सी टेरिटरी बी के बीच में रह गई है, व्हाट वी कॉल्ड एज अ जेंटलमैन वे, जेंटलमैन वे से इस ए को उठाए और बी को दे दे. अब जब वो बी को ए की ये ए अपना हिस्सा देगा, वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा सॉवरनिटी ए की किसको, बी को. तो सेशन में क्या लिखेंगे आप, याद, दिस मेथड इज कॉल्ड सेशन. सेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सॉवरनिटी. आई थिंक आई द मार्क कर, ओके, ट्रांसफर ऑफ सॉवरनिटी From one territory owner to other. Owner से sovereignty transfer होती है किसे, दूसरी पार्टी को. इसमें कोई वॉर नहीं होती, कुछ नहीं होती, सीधे sovereignty जो मदर कंट्री है वो किसे दे देती है, दूसरी कंट्री को दे देती है. नोबल वे. ऐसी चीज को कहा जाता है सेशन. और what we called की टेरिटरी को सीड किया, होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेशन. लेकिन व्हाट वी से कि क्या किया हमने, टेरिटरी को सीड किया, सीईडी. इसी मेथड से आपकी दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, सिक्किम, सबकी सब सीड हुई है इंडिया को, सेम मेथड से. ओके, अब बढ़ते हम सेकंड मेथड की ओर. ये तो एक मेथड था सेशन. सेकंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड इज वॉट वी कॉल एज द ऑक्यूपेशन. सेकेंड मेथड इज वॉट वी कॉल एज द ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन में क्या है? ऑक्यूपेशन है जो आप इंडिया एंड पाकिस्तान की न्यूज में रोज सुनेंगे. इंडियन चैनल लगाएं तो वो पीओके का ऑक्यूपेशन बताएंगे, पाकिस्तान लगाएंगे तो वो
इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, तो बात हो रही है ऑक्यूपेशन की। सेकंड मेथड इज ऑक्यूपेशन। अभी ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक टेरिटरी है ए, हमें एक क्या करना, वी विल टॉक डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली बात करते जे एंड के, ओके। कल ऐसा ना हो कि आपने वीडियो यूट्यूब पे चढ़ा दी है, ओके, मेरे खिलाफ केस यूज हो गया, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जो कि लॉजिस्टिक है, ओके। अब यहां सुनिए आप, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ जे एंड के, दो पार्टीज आ गई, इंडिया एंड पाकिस्तान। ध्यान से सुनिएगा ऑक्यूपेशन का मीनिंग क्या है। मैं ये नहीं कह रहा किसने क्या ऑक्यूपाई किया, ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अब यहां पर सुनिए एक बात, अब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे जाता है तो ये कहता है कि इंडिया ने जे एंड के पे ऑक्यूपेशन की हुई। इंडिया फॉरेन टर्म्स पे जाता है तो बोलता है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे ऑक्यूपेशन करके रखी है। दैट मींस उनकी सॉवरनिटी पे जबरदस्ती कंट्रोल करना इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, फोर्सफुल कंट्रोल ओवर द सॉवरनिटी ऑफ ए कंट्री और ए पार्ट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड एज द ऑक्यूपेशन। दूसरी एग्जाम्पल, रियली आई शुड हैव यूज दिस एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल ऑक्यूपेशन की है पैलेस्टीन एंड इजराइल, दैट इज अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशन, एंड ये रियल एग्जाम्पल है ऑक्यूपेशन की, बिकॉज दीज पीपल हैव ऑक्यूपाइड द पैलेस्टाइन। ओके, ये तो ऑक्यूपेशन नहीं है, ये तो पोलिटिकल ड्रामा है सबका सब, ये असली एग्जाम्पल है ऑक्यूपेशन की। ओके, अब क्वेश्चन आपके लिए कई बार आ जाता है, ओके, बिकॉज यूपीएससी मींस अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि ऑक्यूपेशन के ऊपर लॉ कहां पर बना है, ओके, इंटरनेशनल लॉ कहां पर बना है, कहां पर डिफाइंड है। तो आप ये याद रखेंगे कि ऑक्यूपेशन जो टर्म है, जैसे मैंने समझाया, ऐसे ही डिफाइंड है इन आर्टिकल 42 ऑफ हेग रेगुलेशंस, ऑफ हेग रेगुलेशंस, ठीक है ना। जो ऑक्यूपेशन का जो वर्ड है ये डिफाइंड कहां पर है, आर्टिकल 42 ऑफ हेग रेगुलेशंस ऑफ 1907, याद रख लेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दे रहा हूं, जिसे हम लोग चैंपियन पॉइंट बोलते हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं कि वर्ड या ऑक्यूपेशन कहां पर डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड इन द हेग रेगुलेशंस ऑफ 1907, वहां पर डिफाइंड है। क्लियर, लेट्स मूव अहेड नाउ, अब बढ़ते हैं आगे। अब व्हाट इज द थर्ड मेथड जिससे एक टेरिटरी में दूसरे में मिला सकता हूं, व्हाट इज द थर्ड मेथड? ओके, तो थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड इज एक्रेशन, ACCRETION, एक्रेशन। अच्छा, एक्रेशन का मतलब क्या हो गया? एक्रेशन के लिए इज़राइल इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फलस्तीन, आई कॉल इट फलस्तीन, यू कैन कॉल इट पैलेस्टाइन, वट एवर यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पैलेस्टाइन इन 1942, ये पूरे का पूरा क्या था, ये पूरे का पूरा पैलेस्टाइन था, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, अब आता है इज़राइल, थोड़ा सा लैंड करता है ऑक्यूपाई, इनको रहने की जगह दी जाती है क्योंकि हिटलर इनको मार रहा था, तो दे गेट दिस एरिया फॉर एग्जाम्पल। अब एयर आता है आफ्टर द सिक्स डे वॉर, अदर थिंग्स, 1971-72, तो इज़राइल थोड़ा और फैल जाता है। अब देखिए, पलस्तीन का जो एरिया जो रेड में था वो कम होता जा रहा है। अब एयर आता है 2021, दिस इज योर होल इज़राइल, दिस इज दीज ओनली पार्ट्स एंड कुछ कुछ बीच में कॉलोनीज आर द पलस्तीन। सो दिस प्रोसेस, जहां पर आप ये एक अंदाजा लगाते हैं कि आप एक एक करके ऑक्यूपाई करते हैं टेरिटरीज को,
दिस इज टर्म्ड एज ऑक्यूपेशन. ये भी ऑक्यूपेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है. तब मैं दे नहीं पाया, तब मैं जेएंडके का दे रहा था, बट दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्यूपेशन. ये भी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत ही आएगा. वली टाइम ज्यादा लग रहा है, एकदम नहीं किया, लेकिन दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशन. ये भी ऑक्यूपेशन का ही एग्जाम्पल है. पहले मैंने ऑक्यूपेशन का एग्जाम्पल फिर से क्लियर किया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्रेशन. एक्रेशन क्या होते हैं? ओके, लेट मी रब इट ऑल. जस्ट एक मिनट रब कर लेते हैं. हाँ जी, अब वर्ड था आपका एक्रेशन. ऑक्यूपेशन क्लियर हो गया होगा आई होप. दोनों एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, एकदम करना और एकदम से ऑक्यूपाई करना और टाइम टू टाइम विद टाइम करना, दोनों मैंने क्लियर कर दिया. अब आता है एक्रेशन. एक्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक कंट्री है, इंडिया है फॉर एग्जाम्पल. ओके, ये श्रीलंका है. इंडिया ने यहां पर देखा कि एक नया आइलैंड बनता जा रहा है. इंडिया ने यह देखा कि यहां पर थ्रू जियोग्राफिकल प्रोसेसेस, याद रखेंगे आप वर्ड, वर्ड क्या है? थ्रू जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं थ्रू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, एक नया लैंड बनता जा रहा है. यहां पर एक नया आइलैंड बन गया. इंडिया एकदम से अपनी आर्मी भेजता है और इसे यहां पर अपनी आर्मी स्टेशन कर देता है. अब ये वाला आइलैंड यहां इससे पहले नहीं था, जस्ट अभी निकला थ्रू द ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस. यानी यहां पर इंडिया ने अपने एरिया इंक्रीज किया लेके, दूसरी किसी की टेरिटरी ना लेके, जो नया लैंड फॉर्म बना था उसी लैंड फॉर्म पे ऑक्यूपाई करके, इसी लैंड फॉर्म को ऑक्यूपाई करके, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्रेशन. इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्रेशन. एक्रेशन भी एक मेथड है जिससे आप एक नई टेरिटरी अपने अंदर ला सकते हैं. ऑक्यूपेशन भी हमने डिस्कस कर दिया और हमने सेशन भी कर दिया. इज इट क्लियर? तीन कर दिए, क्लियर है तीन? यहां तक तीन जितनी प्रोसेसेस मैंने क्लियर किए हैं, आर दे क्लियर फॉर यू गाइस? क्लियर है? ठीक ठीक है. बाकी जितने आप लोगों का भी क्लियर है? किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी अगेन. हाँ, लास्ट वन में बता देता हूं, एक्रेशन में फिर से बता देता हूं, ठीक है ना? ओके, एक्रेशन में फिर से बता देता हूं. देखो यहां पर ऑक्यूपेशन क्लियर हो गया, तो एक्रेशन पे आ जाओ. देखो एक्रेशन क्या है, टर्म याद रखेंगे आप, एक्रेशन, ACCRETION, एक्रेशन. एक्रेशन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया, सेशन में क्या था? सेशन में हमने एक दूसरी की टेरिटरी की सोवरेनिटी अपने पास ले ली थी. ऑक्यूपाई में क्या था? हमने एक टेरिटरी पे जबरदस्ती उसकी सोवरेनिटी ले ली थी. ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंडिया के यहां पे अरेबियन सी है, और अरेबियन सी में थ्रू टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट TPM, एक नया आइलैंड निकल जाता है, एक नया आइलैंड उजागर हो जाता है. इंडिया जल्दी जल्दी अपनी आर्मी भेजता है और इस आइलैंड पे कब्जा कर लेता है. यानी इंडिया का एरिया हो गया इंक्रीज. लेकिन इंडिया ने किसी फॉरेन एंटिटी की टेरिटरी को अपने अंदर नहीं लाया, कोई नई स्टेट इंक्लूड नहीं की, बस ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस से जो एक नया लैंडफॉर्म बना था उसको ऑक्यूपाई किया. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रेशन. क्या कहते हैं इसको? एक्रेशन. इज इट क्लियर? यापन क्लियर है यहां पे? अब क्लियर हो गया, ठीक है. फोर्थ मेथड इज सब्जुगेशन. याद रखेंगे आप, जो जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं सबके सब आपकी NCERT में दिए गए हैं, आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं है शायद, बट मैं यहां समझा रहा हूं. अब यहां देखेंगे आप, अगला जो टर्म है जिससे आप टेरिटरी किसी की ले सकते हैं, फोर्थ वन, दैट इज सब्जुगेशन. सब्जुगेशन, अब ये सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सब्जुगेशन का मतलब होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा हिस्ट्री में, सब्जुगेशन ऑफ बंगाल. सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है भाई? सब्जुगेशन का मतलब है थ्रू द एक्ट ऑफ वॉर. वॉर के बाद आप एनेक्सेशन करते हैं. ओके, तो सब्जुगेशन में पहले आप वॉर करते हैं. फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, दो एरियाज हैं, ए और बी. ए बी पे हमला करता है, उसकी गवर्नमेंट को हरा देता है, आर्मी को हरा देता है, और बी को अपने खोपचे में ले आके पूरे को क्या बना देता है? ए. This is what we mean by the subjugation, by the act of war.
अब सेशन में एक क्वेश्चन मेंस में आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड सब्जुगेशन। सेशन में अगर आपको याद होगा जो फर्स्ट मेथड में डिस्कस किया था, वहां पे एग्रीमेंट था, ए और बी बी जो है आपस में एग्रीमेंट करते कि भाई ले लो आप। लेकिन सब्जुगेशन में वॉर होती है, तो सब्जुगेशन में नया एरिया जो है वो अंदर लाया जाता है थ्रू द एक्ट ऑफ वॉर। ओके, डज हैव इंडिया सब्जुगेटेड एनी टेरिटरीज? यस, हम लोग हैदराबाद भी आर्मी लेके गए थे। We even took army to the Goa, okay? We even took army to the Kashmir. So all these parts were subjugated. अगर आप ये देखें, Kashmir was the one part that was subjugated. Is it clear? Subjugation clear हो गई? Subjugation समझ में आ गया? What do you mean by the subjugation? Subjugation means territory को occupy करना through the act of war. अब मैं आपसे पूछूंगा, session में और subjugation में क्या difference है? Session में agreement होता है और B के बीच में, सेशन में अभी एग्रीमेंट होता है, सब्जुगेशन में सीधे वॉर होती है, ए बी पे हमला कर देता है। इज इट क्लियर टिल हियर? यहां तक समझे सब? क्लियर है सब बातें? क्लियर हो गया। अब इंटरनेशनल लॉ हम देखते हैं क्या कहता है सब्जुगेशन के ऊपर, क्या कहता है आर्टिकल 10 जो था लीग ऑफ नेशंस का, याद रखेंगे आप, उसने सब्जुगेशन को क्या कहा था? इलीगल। याद रखेंगे आप मेरी ये बात। आर्टिकल 10 ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का जो प्रेडेसर था, उसे कहा जाता था लीग ऑफ नेशंस, उसने अंडर आर्टिकल 10 सब्जुगेशन को कहा था इलीगल। सब्जुगेशन को क्या कहा था? इलीगल। चलो मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, मैं कहता हूं यूनाइटेड नेशंस बना लीग ऑफ नेशंस से, क्या उससे पहले भी कुछ था? जो आज का यूएन है ना, ये बना है लीग ऑफ नेशंस से। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे बना था, फिर वो फेल हो गया, फिर यूनाइटेड नेशंस बना। क्या उससे पहले भी कुछ था? शाबाश, किसी तो लीग ऑफ नेशंस ही बना था, उससे पहले कुछ था या नहीं था? शाबाश, जल्दी, पता है नहीं पता है तो आप याद रखो। ओके, नो, ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। हाँ, क्या था? ओके, क्या था बता दें। तो आप एक चीज याद रखेंगे हमेशा कि लीग ऑफ नेशंस बना कांग्रेस ऑफ वीना के बाद, कांग्रेस ऑफ वीना। ओके, तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था कांग्रेस ऑफ वीना, याद रखेंगे आप ये चीजें। सबसे पहले क्या बना था? कांग्रेस ऑफ वेना। किसने बनाया था कांग्रेस ऑफ वेना? मेटरनिच ने। मेटरनिच कौन था? ऑस्ट्रियन प्रिंस था। ये फेल होता है, उसके बाद बनता है लीग ऑफ नेशंस। ये फेल होता है, बनता है, अभी तो चल रहा है यूनाइटेड नेशंस, ये भी जल्दी फेल होगा मेरे ख्याल से, जैसे हाल चल रहे। इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले क्या था? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस किसने बनाया था? मेटरनिच ने, याद रखना ये चीज। ओके, मेटरनिच वाज़ ऑस्ट्रियन प्रिंस। यूपीएससी आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी क्लास में बैठे हैं, ये सब चीजों पे नजर होनी चाहिए आपकी। ओके, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आप फील करिए। अब बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ मेथड जिससे टेरिटरीज आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। फिफ्थ मेथड इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन वर्ड दो वर्ड होते हैं, जो डॉक्टर लिख के देते उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, एक यहां पर प्रिस्क्रिप्शन है। ओके, अब यहां पर एक चीज देखिए क्या प्रिस्क्रिप्शन वापस से इसराइल के लिए और पलस्तीन के लिए यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं यहां पे दूसरी एग्जांपल देके समझाता हूं। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, जस्ट वेट, ये ए है और ये बी है। ए जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, बी थोड़ा लीस डेवलप्ड है। तो ए क्या करता है, ए हर साल बी का थोड़ा थोड़ा लैंड अपने पास लेता जाता है, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा, एक एक इंच, एक एक किलोमीटर रोज अंदर आ रहा है, रोज अंदर आ रहा है। ओके, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये बी का एरिया डिमिनिश होता जाएगा और ए का एरिया इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब ए से पूछा जाएगा कि आपने ये क्या बोला, ये आपने क्या किया, तो बोलेगा हम तो पहले से ही यहां पर थे, ये तो शुरू से ही हमारी टेरिटरी थी। That means ना वॉर की ना कोई एग्रीमेंट हुआ,
बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी टेरिटरी थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया, और आज ए इतना बड़ा हो गया है लोगों को ये भी फील नहीं हो रहा कि ए ने थोड़ी थोड़ी करके टेरिटरीज ऑक्यूपाई की है. दिस मेथड इज कॉल्ड एज द प्रिस्क्रिप्शन एक्विजिशन ऑफ द सोवरेनिटी ओवर ए टेरिटरी थ्रू ए कंटिन्यूस एंड अनडिस्टर्ब्ड एक्सरसाइज सच दैट इट क्रिएट्स हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्रिस्क्रिप्शन. ये भी इसराइल वाली एग्जाम्पल आप यहां पर लगा सकते हैं. ओके, दिस इज वॉट वी मीन बाय द प्रिस्क्रिप्शन. थोड़ा थोड़ा करके ये जो चाइना करता आ रहा है, चाइना भी रोज आप देखेंगे चाइना भी कहीं ना कहीं यही मेथड यूज कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज द प्रिस्क्रिप्शन. सो आर्टिकल टू जाते जाते फिर बता देता हूं. विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकल टू पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन द टर्म्स एज इट फिट. इट कैन रीड ऑन द मैप ऑफ इंडिया. इट कैन एडमिट एनी स्टेट. ओके, यानी इंटरनेशनल टेरिटरीज को अपने अंदर लेने के लिए आर्टिकल टू यूज करते हैं. ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस क्लास. ओके ओके ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. दिस विल बी ऑल फॉर दिस क्लास. आई विल कैच यू गाइज मे बी डे आफ्टर टुमोरो फॉर द इंडियन पॉलिटी. ओके, एंड सिंस I don't think there are certain, I have something very, I can say, work to do. Okay. Yes, we will keep this class till we reach fundamental duties. Okay, okay. Okay. No. Jab tak fundamental duties nahi aata. Okay. Hum thoda slow pace se chalenge. It will take a week only. ओके, इट विल टेक ए वीक ओनली. तो वीक तक हम लोग थोड़ा हाफ एन आवर, वन एंड हाफ आवर की क्लास लेते लेते हम आगे बढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट इट इनटू 3 आवर क्लास. ओके, उसके बाद हम एकदम से शिफ्ट मार के इसको 3 आवर क्लास में कन्वर्ट कर देंगे. बिकॉज अभी हम इसको आपकी बेस बनाने में यूज करेंगे. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम, देखिए व्हेन यू हैव द फिश, जब आप बाजार से फिश लेके आते हैं, आप एकदम फिश को उठा के पॉन्ड में नहीं फेंकते. What you do? आप पोलिथीन खोलते हैं, let the fish slide over the water. जब आप एक्वेरियम में नए फिश डालते हैं, आप ऐसे नहीं कि लिफाफे में हाथ डाला, फिश को उठा के उसमें डाल दिए, फिर वो पजल हो जाएगी. इट कैन इवन डाई. ओके, सो यू आर नाउ इन द IS क्लास. एकदम से आपको अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन दे दूं, सो आपको वो फिश वाला हाल हो सकता है. सो वी हैव टू स्लोली लेट यू स्लाइड ओवर द वॉटर. थोड़ा सेटल आप हो जाए, होमियोस्टेसिस आपकी आ जाए, then we will increase the class. So we will just wait for fundamental rights. Fundamental rights tak thode main yun hi chalaunga, ek ek concept, ek ek cheez clear karta jaunga. Uske baad what I will be doing, jab main dekhunga aap pure ready ho gaye, I will be taking long classes. Okay, so that will be all for today. We'll catch you guys tomorrow. Have a great day ahead of you guys. Thank you very much. Thank you guys.